हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में स्पेशल खीर रेसिपी, जिसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अलग डिफरेंट मेथड के साथ में ये खीर तैयार होगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए कैसे बनाना है सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक गहरा वेसल लिया है, थोड़ा ये हैवी है, जिसमें मैं दूध डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लेना है। दूध यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपके घर पे आता है रेगुलर दूध वो ले सकते हैं, या टेट्रा पैक वाला दूध भी ले सकते हैं। इस दूध को हमें पहले बॉयल कर लेना है। अभी मैंने कच्चा इसमें डाला था और फ्लेम हाई कर कर मैं इसमें बॉयल लाने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे बीच में स्टर इसलिए कर दे रहे हैं कि एकदम से ये पूरा बाहर बॉयल होकर ऊपर नहीं आ जाए, इसीलिए बीच बीच में इसको स्टर करते रहिए। और जब इसमें एक बार बॉयल आ जाए तो फ्लेम को मीडियम कर कर इसी तरह से दूध को कढ़ने दीजिए। और अभी इधर नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 बड़े चम्मच घी गरम कर लेना है। जब ये घी मेल्ट होने लगी है तो इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप चावल। यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट ग्रेन राइस होती है बासमती की, जो खुशबूदार चावल आते हैं, वही ली है। ये अरवा चावल है और इसको मैं इसमें डालकर इसे बिल्कुल अच्छे से भून ले रही हूँ। यहाँ पे जो चावल है मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पोंछ लिया है, जो भी डस्ट और जो पाउडर लगा रहता है वो हट गया है। और बिल्कुल इसको इसमें हमें भून लेना है। और इसके साथ ही इसमें मैं काजू ले रही हूँ। तो अब फ्लेम हाई कर कर काजू और चावल को हमें बिल्कुल इसमें फ्राई कर लेना है। जैसे पॉपकॉर्न कैसे फूलते हैं, वैसे ही चावल जो है पफ अप होने लगती है। तो बस इस तरह से जब ये होने लगे तो फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिए और सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लीजिए। पैन में ही छोड़ेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और फिर इसके उड़ने के भी चांसेस हैं। तो बस यहाँ पर जब ये ठंडी हो जाए तो इसको हमें एक ग्राइंडर जार में डालना है और इसमें गुनगुना दूध डालना है। और गुनगुना दूध डालकर इसको ग्राइंड कर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखें, चावल का हमारा इस तरह सा दरदरा सा पेस्ट तैयार हुआ है। बिल्कुल फाइन सा नहीं रहेगा क्योंकि चावल ऑलरेडी भुना हुआ है। इसके साथ ही हमें कुछ काजू, बादाम और पिस्ते लेने होंगे। आप चाहें तो किशमिश भी ले सकते हैं, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अभी हमें उसी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी गरम करना है और उसमें काजू और साथ साथ में ये बादाम, इसको बस हमें हल्का सा भून लेना है। इस तरह से घी में भुने हुए काजू और बादाम का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई कर कर देखिएगा, आपको भी इसका फ्लेवर बिल्कुल पसंद आएगा। तो फ्लेम को लगातार हाई कर कर हमें इसे हल्का भून लेना है। और अब हल्का हल्का सा ये गर्म हो गया है तो फ्लेम को मैं ऑफ कर कर इसी पैन में इसे छोड़ दे रही हूँ। तो अगर ज़्यादा फ्राई हो गया है ये तो आप प्लेट में निकाल लीजिएगा, वरना ये ज़्यादा जल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हमें चाहिए था, तो फ्लेम ऑफ कर कर मैंने इसमें इसी में छोड़ दिया है इसे। और अभी यहाँ पे हमें इस खीर को बनाने के लिए एक और चीज़ चाहिए, वो है दाल। मूंग दाल ले रही हूँ मैं और ये मैंने ली हुई है 1/3 कप। 100 ग्राम से कमी है, यानी कि दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है और चावल 1/4 कप लिया है मैंने। दाल को वॉश कर कर डायरेक्टली प्रेशर कुकर में डालेंगे। 2 कप पानी के साथ में 3 विसल लगा लेंगे और 3 सीटी आने के बाद में दाल बिल्कुल अच्छी गल जाती है। तो एक बोल में निकाल कर इसको साइड पे रख लीजिए। और अभी यहाँ पे आते हैं फाइनली जहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो रहा था। देखें, मलाइयाँ इसके ऊपर आने लगी हैं और ये दूध तकरीबन 15-20 मिनट से मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल पक रहा था और अभी गाढ़ा भी अच्छा हो गया है, पहले से अब रिड्यूस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, फ्लेम को मीडियम कर कर इसमें सबसे पहले चावल की वो पेस्ट डालेंगे, जो कि हमने काजू के साथ में और दूध के साथ में ग्राइंड की है, और बिल्कुल अच्छे से सारे तरफ चला देंगे, इसलिए कि कहीं पर से ये चिपके नहीं, वरना ये बेस में लग सकता है। तो केयरफुली यहाँ पे आपको चलाना होगा, चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से इसको मिला दीजिए। और जब चावल मिल जाए, 2 मिनट हो जाए, तो इसमें आप ये दाल का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भी बिल्कुल अच्छे से चलाइए। तो दाल का पेस्ट डाले तो फ्लेम को सिम कर लीजिएगा, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और चारों तरफ से इसी तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है कि कहीं पर से ये लगे नहीं। और अब यहाँ पे लगातार फ्लेम को हाई करिए और हाई फ्लेम पे रख कर इसे बिल्कुल चलाते रहिए और इसमें बॉयल आ जाएगा। तो तकरीबन 4-5 मिनट बाद में इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाता है और ये पकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे साइड साइड पे आपने इस तरह से स्क्रेप कर लेना है, जिससे इसकी जो मलाई जम रही है वो इसी में मिलती जाए। और सब तरफ से चलाएंगे तो नीचे तले में कुछ बैठेगा भी नहीं। और देखें, जैसे जैसे इसमें बॉयल आता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा भी होता जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो जाती है, तब तक अभी हमें इसमें इसको पका लेना है। तो जब यहाँ पे बॉयल आ गया है, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और गाढ़ा भी हो चला है ये, तो इसमें मैंने शक्कर डाली है 1 कप। अराउंड 200 ग्राम मैंने शक्कर डाली है मेरे टेस्ट के हिसाब से। आप जैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब से रखिएगा। और शक्कर क्योंकि जाती है तो पिघल जाती है, तो और ये लिक्विड हो जाएगा। तो फिर हमें फ्लेम हाई कर कर बिल्कुल स्टर करते रहना है और इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए और पका लेना है। जैसे जैसे आप इसको लगातार फ्लेम हाई कर कर कुक करते जाएंगे और चलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ी होती जाएगी। जब इस तरह से यहाँ पे इस पर बहुत अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है,
तो मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे जो हमने फ्राई कर कर नट्स रखे थे वो थोड़ा मैंने डाला है और थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, और लास्ट में इसे अच्छे से मिला देंगे। बिल्कुल देखो लाइट बादामी कलर का यहाँ पे हमारे इस खीर का टेक्सचर हुआ है, कलर आया है और बहुत अच्छा सा दिख रहा है। तो बस फ्लेम ऑफ कर कर यहाँ पे इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और अब ऊपर से गार्निश कर लेते हैं पिस्ते से। तो पिस्ते को मैंने फ्राई नहीं किया था, ये बिल्कुल ऐसे ही बहुत क्रंची लगता है, तो ऊपर से डाला है और इसका जो कलर है वो दिखेगा, फ्राई करते तो वो डार्क हो जाता है। और इसके बाद में हमें पिस्ते से गार्निश करने के बाद में ऊपर से जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था काजू और बादाम वो डाल दीजिए। काजू और बादाम को बिल्कुल इस रेसिपी में भून कर ही डालिएगा, रोस्ट करके ही यूज़ कीजिएगा, तभी इसका टेस्ट आएगा। और ये लीजिए ज़बरदस्त दावतों वाली ये खीर रेडी हो गई है। तो अगर आप दावत दे रहे हैं और आपको कुछ मीठा बनाना है तो ये खीर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके मेहमानों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बनाकर देखिए, उम्मीद है आपको ये इसका टेस्ट पसंद आएगा, इसका फ्लेवर गज़ब का लगेगा आपको। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये यूनिक स्पेशल खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हैं अगर आप, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।